साथियों, चुनाव में झूठ बोलना, झूठ बोलकर वोट लेना इंडी गठबंधन वालों की पहचान यही है। इसलिए ये मोदी की गारंटी उसे भी रोकना चाहते हैं। ये भूल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें, इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। ये मोदी है जो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर की धरती पर भी ले गया, इतने सालों के बाद ले गया। और आप कमाल देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, छोटा पद नहीं है, उन्होंने अभी भाषण किया, उन्होंने ये कहा, और वो कहीं शायद राजस्थान में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेने देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हरा मारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कितने ही वीर जवान तिरंगे में लपट करके लौटे हैं कश्मीर को बचाने के लिए। आप ये कहते हो राजस्थान की धरती पर भी इतने ही वीर परिवार हैं जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना, ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? भाइयों बहनों, मोदी ने तीन तलाक को खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? तीन तलाक जैसी महिला विरोधी कुप्रथा खत्म हो गई। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी। नतीजा, जो भारत को आंख दिखाते थे अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने वर्षों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और ये देखिए, चलो भाई, देशवासियों ने चंदा दिया, एक रुपया, पांच रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है।
इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से, इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। क्या ये शोभा देता है? क्या शोभा देता है? क्या इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा, इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। और इसलिए ये भी जानते हैं कि अगर मोदी की गारंटी ऐसे ही चलती रही तो इनकी वोट बैंक की दुकान ही बंद हो जाएगी। और इसलिए ये लोग मोदी की गारंटी का विरोध कर रहे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।